हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीन होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए, अब मुझे सुहाग विहीन मत बनाइए। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो, तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। शास्त्र कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वह मनुष्य मर गया समझो। महारानी मंदोदरी, रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा, उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ सदा जीवित रहेगा, जीवित। संकल्प किया है कि राम और लक्ष्मण लंका से जीवित नहीं जा सकेंगे, इसी धरती पर उनकी समाधि बन जाएगी। आज का युद्ध भीषण युद्ध होगा। आज असुर जाति के गौरव पर, लंका की आन पर, अपने राजा के साथ जो इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो वही हमारे साथ रणभूमि में आए। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। आप सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। वीरो, राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। यह तपोभूमि नहीं, रणभूमि है रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य आज अपने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए। करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता।
परा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद कुंभकर्ण प्रहस आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए।